तो अगर आप लोग इंडस बैटल रॉयल की इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रो स्पोर्ट्स टीम बनाना चाहते हो या किसी टॉप टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स में नए हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल टीम्स के पास ऐसा क्या होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? स्किल्स? नो। स्किल्स के अलावा भी एक ऐसा सीक्रेट है जो मैं आपको आज रिवील करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, आई एम अमन, द ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर एंड इनसाइडर फॉर इंडस बैटल रॉयल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सब लोगों को और आपकी फैमिलीज को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सो भाई लोग, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने एसेंशियल रोल्स की। देन गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कहाँ पर अपनी टीम्स और प्लेयर ढूंढने हैं। देन गाइज, थर्ड आपके लिए रहने वाली एक बोनस टिप जिससे आपकी ओवरऑल काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलो गाइज, बढ़ते जल्दी से अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम रोल्स की। एक सक्सेसफुल टीम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर प्लेयर को उसका रोल क्लियर होना। सो गाइज, एक टीम के अंदर अपने कम से कम चार प्लेयर रहते हैं जिनके रोल्स रहते हैं अपने IGL। IGL का मतलब रहता है गाइज अपना इन गेम लीडर, जो बेसिकली सबको कॉल देता है, गाइड करता है ऑल ओवर द मैच, सारी डिसीजन लेता है एंड सारी स्ट्रेटेजीज बना के उनको एग्जीक्यूट करता है। सो गाइज, अब आते हैं अपने रोल नंबर टू पर, जो कि होता है अपना एंटी फ्लैगर या फिर आप बोल सकते हो एक रशर, जो कि एक अग्रेसिव गेम प्ले करता है, अपनी टीम के लिए सबसे पहले ओपनिंग्स निकाल ता है, सबसे पहले क्लोज कॉम्बैट में इनिशिएट करता है और सामने वाली टीम को प्रेशर क्रिएट करके एलिमिनेट करने में टीम की हेल्प करता है। सो भाई लोग, थर्ड नंबर पे आता है अपना सपोर्टर का रोल। सो गाइस, सपोर्टर का रोल काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। एंड गाइस, सपोर्टर हमेशा टीम गेम ज्यादा खेलता है, अपने से ज्यादा टीम को प्रायोरिटी देता है, हमेशा टीम के किल्स क्लियर करता है, उनको कवर देता है, स्पेशली अपने रशर को। सो गाइस, आते हैं अपने अब रोल नंबर फोर पे। तो गाइस, जो अपना रोल नंबर फोर होता है वो होता है अपना स्नाइपर का। गाइस, ये गेम टू गेम और मेटा टू मेटा वरी करता है। अगर गाइस किसी गेम के अंदर जो अपनी स्नाइपर हो उसको नर्फ कर रखा है तो गाइस उसको स्नाइपर की जगह पर गाइस काफी लोग फ्री मैन को भी रखते हैं। बट गाइस, अगर किसी गेम के अंदर अगर स्नाइपर प्लेयर रहता है, अगर किसी गेम के अंदर अपना स्नाइपर का मेटा है, तो गाइस स्नाइपर प्लेयर आपको एक बहुत ज्यादा अपर एंड लाके देता है अपनी टीम के अंदर, फिनिशेस निकालने में, कवर देने में एंड स्पेशली किल्स उठाने में। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हाउ टू ज्वाइन अ टीम या फिर हाउ टू क्रिएट अ टीम। सो भाई लोग, अगर आप अपनी खुद की टीम बनाना चाहते हो तो एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है अपनी टीम सिनर्जी। हर एक प्लेयर का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना, एक दूसरे के साथ सेम माइंडसेट होना, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबका गोल अपना कॉम्पिटेटिव ईस्पोर्ट्स होना, जिससे गाइस काफी ज्यादा प्लस पॉइंट मिलता है आपको लॉन्ग टर्म में। सो भाई लोग, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो गाइस, जैसे कि मेरी टीम के सारे प्लेयर नए थे जिस टाइम पर उन्होंने मेरी टीम ज्वाइन करी थी, बट गाइस सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा डेडिकेटेड थे मेरी टीम के। एंड गाइस, टाइम के साथ हमने ग्राइंड किया और अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव किया, और भाई यही जो चीज एक टीम को काफी ज्यादा अलग बनाती है बाकी टीम से। तो गाइस, अब आप लोग बोलोगे कि भाई हमको ऐसे डेडिकेटेड प्लेयर कहां मिलेंगे, तो गाइस रुको, जरा सबर करो, अभी मैं आपको सारी की सारी चीजें आगे बता दूंगा। और भाई लोग, अगर आप खुद की टीम बनाना नहीं चाहते, एक अच्छी टीम ज्वाइन करना चाहते, तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है इंडस बैटल रॉयल के डिस्कॉर्ड सर्वर पर। वहां पर एक डेडिकेटेड चैनल बना हुआ है फाइंड टीम करके, जहां पर गाइस टीम प्लेयर्स ढूंढ रही होती है और या फिर प्लेयर्स टीम सर्च कर रहे होते हैं। तो गाइस आप वहां जाओ, वहां जाके आप लोग अपनी टीम्स भी ढूंढ सकते हो और वहां पर आप लोग अपने प्लेयर्स भी ढूंढ सकते हो। अब गाइस ये मत सोचना आप जाओगे वहां पर, कुछ भी लिख दोगे और आपको टीम या फिर प्लेयर मिल जाएंगे। आपको वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए एक प्रॉपर मैसेज फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, जो कि आपको प्रोफेशनल दिखाएगा, जिससे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके टीम में कोई प्लेयर ज्वाइन कर या फिर आपको कोई टीम पिकअप करे। तो भाई लोग, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि गाइस आप क्या अपने मैसेज के अंदर कंक्लूड कर सकते हो। तो गाइस वहां पर आप लोग अपना नाम डाल दो, आप कहां से हो वो डाल सकते हो, अपना पास्ट एक्सपीरियंस डाल सकते हो, अपने अचीवमेंट्स डाल सकते हो अगर है तो, और गाइस अपना डिवाइस डाल सकते हो। उसके साथ साथ भाई लोग, आप अपना रोल डालना बिल्कुल भी मत भूलना। इस तरीके से गाइस आप अपने मैसेज को स्टैंड आउट कर सकते हो और भाई लोग टीम्स का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं अपनी बोनस टिप की। बट गाइस, उससे पहले अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो गाइस और गाइस आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, भाई लोग प्लीज सारे के सारे बंदे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि गाइस आप लोगों का एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे अपनी हर एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो मेक श्योर गाइस सारे के सारे बंदे जरूर लाइक कर देना। तो भाई लोग, अब बढ़ते अपने बोनस पॉइंट की तरफ। सो भाई लोग, अगर आप लोगों को प्रॉपर मैसेज फॉर्मेट बनाने में दिक्कत आ रही, तो गाइस आप लोग कुछ मत करो, आप लोग जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर, वहां पर मेरे को मैसेज करो, देन गाइस मैं आप लोगों को वहां पर अपना मैसेज फॉर्मेट पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के भेज दूंगा, जो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और भी ज्यादा इजी और प्रोफेशनल बना देगा। एंड भाई लोग, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस, अगर बाय चांस आप लोगों को गाइस कोई टीम नहीं मिलती, देन गाइस आप लोगों को निराश नहीं होना है, आपको नई नई चीजें डिस्कवर करनी है, नए नए लोग मिलने हैं, आपको ट्राई करते रहना, बिकॉज गाइस अभी सिर्फ गेम की स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स आना बाकी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलने वाली है। तो गाइस ग्राइंड करते रहो, इंप्रूव करते रहो और लगे रहो। बाकी भाई लोग, आज का तो अपना वीडियो यहीं तक था। अगर आपका गाइस कोई भी डाउट वगैरह रहे, कोई फीडबैक रहे, तो
तो इसमें मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो सारे के सारे बंदे गाइस जरूर लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो भाई लोग चलो मिलते हैं इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more.